नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। पंचायत राज संस्थाओं के आम निर्वाचन प्रथम चरण का मतदान 25 जून को कराया जाएगा। मतदान निर्धारित मतदान केंद्रों में प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति के बाद मतदान केंद्र में ही मतगणना होगी। मतदान कराने के लिए विकास खंड नई गढ़ी, मऊगंज तथा हनुमना में बनाए गए वितरण स्थलों से मतदान दल 24 जून को प्रातः 10 बजे रवाना होंगे। मतदान सामग्री प्रातः 7 बजे से वितरित की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने तीनों विकास खंडों का भ्रमण कर चुनाव के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बलों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान आमजनों से संवाद के साथ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। शराब की दुकानों का भी निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने सामग्री वितरण स्थल पर उपस्थित मतदान कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि निष्पक्ष तथा निर्भय होकर मतदान कराएं। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। मतदान सामग्री प्राप्त करते समय चेकलिस्ट के अनुसार मिलान अवश्य कर लें। यदि कोई सामग्री कम है तो उसे प्राप्त कर लें। मतपत्रों की भी गणना अनिवार्य रूप से कर लें। प्रथम चरण में जिला पंचायत के 9 वार्डों, जनपद पंचायत के 75 वार्डों में सदस्य पदों के लिए मतदान होगा। विकास खंड नई गढ़ी में 76 ग्राम पंचायतों, मऊगंज में 82 ग्राम पंचायतों तथा हनुमना में 98 ग्राम पंचायतों सरपंच पदों एवं पंच पदों के लिए मतदान कराया जा रहा है। इसके लिए विकास खंड नई गढ़ी में 206, मऊगंज में 233 तथा हनुमना में 307 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों में मतदान दल को सहयोग देने के लिए स्थानीय कर्मचारियों का दल तैनात किया गया है। निर्वाचन से जुड़ी सूचनाएं संकलित करने के लिए तीनों विकास खंडों में कम्युनिकेशन सेंटर बनाए गए हैं।